हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और दोस्तों, तुम्हारा भाई जो है आज जा रहा है एक फंक्शन में, जिसके लिए आपको याद होगा लास्ट वाले व्लॉग में मैंने परचेजिंग की थी, तो उसी वाले फंक्शन में आज जा रहा हूँ। छोटा सा फंक्शन है, फंक्शन में आपको जरूर दिखाऊंगा क्या क्या होने वाला है, कैसे जाने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ। तो अभी क्या है, अभी कुछ नहीं है। सभी लोग, कुछ लोग पार्लर में तैयार होने गए हुए हैं, कुछ लोग यहीं पर हैं। मैं और सक्षम देखो यहीं पर हैं, अभी सक्षम रेडी नहीं हुआ है। हे हाय। सो अभी हम तैयार नहीं हुए, मैं भी तैयार हो रहा हूँ और छवि, उसकी मम्मा, वो सब लोग पार्लर गए हैं, तो पार्लर से उनको पिक करता हूँ। पिक करने के बाद मैं फाइनली पहुँचता हूँ अपनी मिड वाली डेस्टिनेशन पर। वहाँ से निकलेंगे एक्चुअली फंक्शन के लिए। फंक्शन हमारा दिल्ली के अंदर है, तो अभी पता नहीं है क्या क्या होने वाला है। मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद गाड़ी के अंदर। तो फाइनली फ्रेंड्स, निकल चुके हैं अभी घर से, और अभी हम जा रहे हैं अपनी मिडिल वाली लोकेशन पे, जिसमें हमें अपने मतलब मम्मी को भी पार्लर से लेंगे और फिर हम जाएंगे अपनी मिडिल लोकेशन पे, जहाँ से हमें हमारे मामा और हमारे भाई के साथ जाना है, जिसकी रिंग सेरेमनी है। तो फिर वहाँ से जाएंगे हम जहाँ पे हमें जाना है। तो फाइनली दोस्तों, मम्मी और दीदी को पिक कर लिया है। ये देखो, मुझे तो क्या बोलूँगा, सब नहीं बोलने के लिए कुछ नहीं है। सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं दोनों, और सबसे ज्यादा जो सुंदर लग रही है वो लग रही है छवि। तो छवि को एक बार दोबारा, छवि एक बार बेटा दिखा दे कैसी लग रही है। छवि सबसे प्यारी लग रही है, तो भाई प्यारी तो लगेगी, लगने की बात है। हम जा रहे हैं फंक्शन में, तो पहुँचते हैं मिड वाली लोकेशन पे और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए दोस्तों, अभी गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं हो चाहे, तो अभी फ्यूल का जो इंडिकेटर है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारी लोकेशन मिड लोकेशन यहाँ से पास है, लेकिन जो प्रॉपर लोकेशन है जहाँ हमें पहुँचना है वो बहुत यहाँ से बहुत दूर है, क्योंकि हमें जाना है दिल्ली। तो अभी हम फ्यूल भराते हैं पेट्रोल पंप से। फ्रेंड्स, अभी पेट्रोल पंप पे पहुँच चुके हैं और जल्दी से फ्यूल भराते हैं। पहुंच चुके हैं अपने मिडिल लोकेशन पे। ये क्या भाई, झंडी लग रही है? ये दशहरा की, ये दशहरा कहीं मनेगा? मने यहाँ पूरा दशहरा बनने की तैयारी में, रावण भी बनेगा यहाँ। चले सरकार, मामा जब वो भाई कोट पैंट बनाया। और भाई हरीश, क्या हाल भैया? बहुत लेट हो रही है आप भैया। मेहमान लेट आए, मेहमान। हेलो हेलो, तो दोस्तों फाइनली जो है मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ दिल्ली के अंदर, और एक बार अंदर लेके चलता हूँ, देखते हैं अंदर किस तरीके का माहौल है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अंदर आ गए हैं। अंदर का माहौल जो है सच में बहुत ही प्यारा हो रखा है, लेकिन जिसके इंतज़ार में हम सारे लोग यहाँ पर हैं वो अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो फाइनली जब तक वो लोग यहाँ पर आते हैं, हम तब तक थोड़ा सा माहौल का मज़ा ले लेते हैं, कुछ स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, कुछ जूस या ड्रिंक्स वगैरह ले करके अपने टाइम को जो है वो बियर करते हैं। फाइनली थोड़ी बहुत देर में जिसके लिए सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे।
सो दोस्तों, जब सभी लोग फाइनली इतना ज़्यादा प्रिपेयर हो गए हैं, इतना बन टन के हैं, तो भाई बट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा फोटो सेशन तो बनता है। और यहाँ छवि जो है बहुत ही प्यारी लग रही है, फाइनली छवि के साथ थोड़ा सा फोटो सेशन में यहाँ पे कर लेता हूँ। सो दोस्तों, फाइनली थोड़ा सा जो है स्नैक्स के साथ थोड़ा सा नाश्ता भी कर लेते हैं, बिकॉज अभी डिनर होने में काफ़ी देर बाकी है, तो क्यों ना थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए, गोलगप्पे टिक्की का थोड़ा सा मजे उड़ा लिया जाए, थोड़ा सा टेस्ट चख लिया जाए। और गोलगप्पे टिक्की के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पकौड़े हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, मिल्क्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, क्यों ना इनका मजा उड़ाए। और फाइनली दोस्तों, जिसके इंतज़ार में इतनी देर से लोग पलके बिछा के बैठे हुए हैं, फाइनली वो जोड़ी जो है वो यहाँ पर एंटर कर रही है, तो क्यों ना इनको वेलकम किया जाए। और जब दोस्तों जोड़ी इतनी प्यारी है, तो बट ऑब्वियस है कि हर कोई चाहेगा कि इन लोगों के साथ अपना फोटो सेशन हम कर लें, तो डेफिनेटली हम भी यही चाहेंगे। तो जब कभी भी किसी की लाइफ में ऐसा स्पेशल मोमेंट आता है, तो वो यही सोचते हैं कि ये मोमेंट मुझे ज़िंदगी भर याद रहे, ये यादें मेरे दिल में हमेशा बनी रहे। तो और ऐसी यादें तभी जाके परफेक्ट बनती हैं जब केवल लड़का लड़की नहीं, बल्कि सभी लोग मिलके इसमें एफर्ट डालते हैं, सभी लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के किसी एक जोड़े के लिए वो पूरी लाइफ के लिए यादगार वाला पल बनता है। और फाइनली दोस्तों, जैसे ही ये जोड़ी स्टेज पर पहुंची, तो एक तरफ से होड़ लगी सभी के अंदर कि किसी भी तरीके से बस इन दोनों के साथ आज अपना फोटो सेशन जो है वो कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले सक्षम ने बाजी मारी, और फिर बाजी मारी लड़के के दोस्तों ने। और दोस्तों, फाइनली अब वो मोमेंट आ गया जिसके लिए ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो फाइनली रिंग सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रिंग सेरेमनी को परफेक्ट बनाने के लिए जो भी तैयारियां हैं, जिन लोगों ने जो भी तैयारियां करी हैं, उन तैयारियों को अब अंजाम देने का, उनको रिजल्ट की तरफ बढ़ाने का टाइम आ गया। सो दोस्तों, एक एक करके रिंग सेरेमनी से होने वाली पहली जो भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए एक एक करके कैंडिडेट जो है वो स्टेज पे आने लगे। फाइनली दोस्तों, सारी की सारी एक्टिविटी होने के बाद अब बारी थी एक एक करके आशीर्वाद देने। तो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए एक एक करके उनके जो बड़े थे वो स्टेज पर आने लगे, और अपनी बेस्ट विशेस और फ्यूचर और लाइफ उनकी अच्छी रहे, इस तरीके के आशीर्वाद उन बच्चों को देने लगे। फाइनली सब कुछ होने के बाद अब बारी थी एक्चुअल रिंग सेरेमनी की एक्टिविटी का। तो फाइनली यहाँ पर लड़के ने लड़की को और लड़की ने लड़के को, दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई, और उसके बाद उनको बहुत सारी विशेष, बहुत सारा वेलकम और बहुत सारा सपोर्ट यहाँ पे मिला। अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने की, तो बच्चे एक एक करके रेस्पेक्ट में खड़े होते रहे, और बड़े लोग आकर के उनको आशीर्वाद देते रहे। फाइनली ये जो सीक्वेंस है, ये एक्टिविटी, ये काम बहुत देर तक चलता रहा,
और हर कोई चाहता है कि जो भी कपल है उसके साथ हम अपनी इस मेमोरी को और बेस्ट बना सकें, सो दैट हमेशा ये प्रूव भी रहे कि हम वहाँ थे, हमने आशीर्वाद भी दिया था कुछ काइंड ऑफ ऐसी चीज़ों के लिए। हर आदमी स्टेज पे आकर एक बार बच्चों को लाइफ के लिए बेस्ट विशेज देता है और अपनी एक फ़ोटो ज़रूर से ज़रूर वहाँ खिंचवाता है। फ्रेंड्स, ये सिलसिला तो एक्चुअली रुकने का नाम ही नहीं लिया। फाइनली सारे के सारे जो काम थे, जो भी कुछ करने हम यहाँ पर आए थे, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ फाइनली कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी थी थोड़ा एंजॉय करने की, थोड़ा डांस करने की। दोस्तों, इतना सारा डांस करने के बाद मैं एक्चुअली थक गया, तो मैंने सोचा इससे पहले कि मैं पूरी तरह से फैशन के तौर पे बेकार हो जाऊं, भाई थोड़ा सा फोटो सेशन मैं भी करवा लेता हूं, सो दैट मेरे पास भी मेमोरी हमेशा बनी रहे। Oh,
तो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा फंक्शन अटेंड करने के बाद, पूरी की पूरी शाम को उस माहौल को इंजॉय करने के बाद, काफ़ी लंबी ड्राइव करने के बाद, मैं फाइनली पहुंच गया अपनी मिड वाली लोकेशन। मिड वाली लोकेशन पर कुछ लोगों को ड्रॉप करना था और फिर निकलना था अपने घर के लिए। तो फाइनली अभी क्योंकि हम मिड लोकेशन पे, मैं कुछ लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ, देन मैं निकलूंगा घर के लिए। सो फाइनली दोस्तों, वहां से फंक्शन से हम लोग वापस आ गए हैं। अभी बढ़ रहे हैं घर की तरफ। अभी रात के समय में काफी खाली है रोड और पूरी स्पीड के साथ हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़ी बहुत देर में होपफुली घर पहुंच जाएंगे। और अभी जूली भी वहां पे वेट कर रही होगी। जूली सभी का इंतजार कर रही होगी और बहुत ही जाके शोर मचाएगी। तो दोस्तों, एक बार घर पहुंचते हैं और दोस्तों, जैसा मैंने बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जूली बेसब्री से हमारा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी लगाई, उसको गाड़ी की आवाज़ से ही पता लग गया कि डैडी आ गए। फाइनली आवाज़ सुनते ही दोस्तों वो पागल सी हो जाती है। सो दोस्तों, फाइनली आज का व्लॉग मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। बट व्लॉग की यादगार हमेशा हमारे दिल में बनी रहे, इसके लिए कुछ फोटोज जो हमने अभी तक नहीं देखी उनको एंजॉय करते हैं और फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।